हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर एंड कोऑपरेटिव कमिटीज़ के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। द रोचेडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन, क्या बताना है हमें कि रोचेडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो कब बनी थी। ऑप्शन से हमारे पास 1830, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1730 एंड ऑप्शन डी है 1630। तो देखिए, जो रोचेडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो कब बनी थी, वो बनी थी हमारी 1830 में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स, हमें बताना है कि कौन सी कमेटी ने हमें सजेस्ट किया था कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ऑप्शन से हमारे पास ए खसरो कमेटी, ऑप्शन बी है प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी है सहारिया कमेटी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो उसका राइट आंसर होगा वो क्या हमारा, ऑप्शन ए खसरो कमेटी ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें क्या बनाना है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 1901 ए कमेटी अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ टेस्टेस टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ स्टार्टिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया। हमें क्या बताना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने क्या किया था, 1901 में कमेटी बनाई थी टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ स्टार्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। हमें बताना कि वो उसके चेयरमैन कौन थे, किसने बनाई थी वो। तो ऑप्शन से हमारे पास सर डी जी खारवे, ऑप्शन बी है सर एडविड ला एंड ऑप्शन सी है डॉक्टर विलियम किंग एंड ऑप्शन डी है सर मेलकेगन। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सर एडवर्ड ला। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डैश 5 ईयर प्लान द सेंट्रल कमेटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड, हमें क्या बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में सेंट्रल कमेटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड एंड ऑप्शन डी है फोर्थ। तो देखिए, जो सेंट्रल कमेटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इस्टेब्लिश की गई थी वो कौन से 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। द डैश कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इन 1981 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो 1981 में जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो कौन सी कमेटी के कौन सी कमेटी से रिकमेंडेशन से हुई थी। तो ऑप्शन से हमारे पास ए शिवरमन, ऑप्शन बी है सर मैकलगन, ऑप्शन सी है खुसरो एंड ऑप्शन डी है ब्रह्मन प्रकाश। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए शिवरमन। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी किसकी, कौन सी कमेटी की अंडर हुई थी, तो वो हुई थी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल इन कोऑपरेटिव मीन्स, जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो ऑप्शन है कंट्रोल मेंबर यूजर्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑप्शन सी है कंट्रोल बाय रजिस्ट्रार एंड ऑप्शन डी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है उसमें कंट्रोल किसका होता है, जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट किया होता है कमेटी को। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 ऑफ इंडिया हैज इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स सेकेंड शेड्यूल। हमें क्या बताना कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 ऑफ इंडिया वो किससे कौन से शेड्यूल से कौन से प्रिंसिपल शेड्यूल से इनकॉर्पोरेटेड था। तो ऑप्शन से हमारे पास कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव वैल्यूज, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज रजिस्टर्ड इन 1913 एट. हमें क्या बताने की, जो इंडिया में पहली जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुई थी इंडिया में 1913 में, वो कहाँ पे हुई थी. ऑप्शन से हमारे पास आनंद इन गुजरात, ऑप्शन बी है अलाहाबाद इन यूपी, ऑप्शन सी औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी है अहमदाबाद इन गुजरात. तो देखिए जो फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो रजिस्टर हुई थी 1913 में, वो कहाँ पे हुई थी. तो वो हुई थी हमारी आनंद इन गुजरात. सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर.